हेलो गाइस, दिस इज निखिल फ्रॉम एनिमे डब टीम और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इंडिया की पहली एनिमेशन मूवी जो प्योरली इंडिया में बन रही है, जिसका नाम है कर्मचक्रा। तो ये एक एनिमेशन मूवी है जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को अभी तक के पता चल चुका है हमारी कम्युनिटी में, एंड दिस इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ स्टूडियो कॉल्ड स्टूडियो दुर्गा, एंड दिस इज़ अ दिल्ली बेस्ड स्टूडियो। और सच बताऊँ तो इन्होंने बहुत गजब काम किया है। तो एनिमेशन की बात ही कर रहे हैं तो हमें अभी तक के दो क्लिप्स मिल चुकी हैं स्टूडियो दुर्गा से कर्मचक्रा के ऊपर, जिनमें से एक था उनका ट्रेलर और एक 26 को आया था, जो कि था एक आई गेस प्रीव्यू या फिर एपिसोड ज़ीरो शायद, जिसके अंदर थोड़ा बैक स्टोरी का पता चलता है। तो दोनों में से हमें क्लियरली इतनी स्टोरी नहीं दिखती है, हमें समझ में आ रहा है कि किसी केस की बात हो रही है एंड इट्स रिलेटेड टू मैथोलॉजी और साइकोलॉजिकल एनिमे है, थ्रिलर है, मिस्ट्री है, बट यू कांट प्रेडिक्ट द प्लॉट कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अच्छा ठीक है, ये सब हो रहा है बट क्यों, रीज़न क्या है इसके पीछे। तो स्टूडियो दुर्गा ने ये स्क्रिप्ट देखने के बाद इट्स कि वाओ, पहला एनिमे और वो भी इतना फाड़ू बन रहा है, इट्स देखने के बाद इट्स ब्रेथ टेकिंग। ओके, और अगर एनिमेशन की बात करें तो भाई ये सीन, ये सीन ने तो यार दिल ही ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू द टू क्लिप्स विच हैव बीन रिलीज्ड बाय स्टूडियो दुर्गा, तो उसके हिसाब से हमें इतना पता चल रहा है कि ये कहानी एक लड़की पे बेस्ड है मोस्टली, और उसके साथ ये एक बच्चा होता है जो अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में है या फिर फंसा हुआ है समथिंग, एंड मोस्टली हिज नेम इज़ रिक, एंड आई थिंक ही वाज लॉस्ट और समथिंग हैपेंड टू हिम, जिसकी वजह से दे ऑल लॉस्ट द कॉन्टैक्ट। ओके, एंड शायद ये मूवी थोड़ा सा हमें जो इंडियन कल्चर है उसे दिखाएगी, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम जापनीज़ मूवीज़ जो देखते हैं दे आर बेस्ड ऑन देयर कल्चर्स, राइट? तो माइथोलॉजी से मेरे को ऐसा लग रहा है कि दे वांट टू कनेक्ट टू द इंडियन कल्चर, विच इज़ अपने कल्चर को दिखाने के लिए एंड ऑल। अनदर थिंग दैट caught my mind was the theory of synchronicity. तो जो mostly एक शायद detective या lawyer, I don't know what he is, but he is teaching somewhere the topic of synchronicity. Synchronicity मतलब कि कुछ एक ऐसा theory है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि कुछ चीज़ें coincidence की वजह से हो सकती हैं, but they mean anything in your life और जिसके साथ भी हो रही है उसकी life में, जैसे हिंदी में कहावत है ना, जो होता है एक रीज़न के लिए होता है, वैसे टाइप का। तो उस टाइप का एक कॉन्सेप्ट है, तो आई थिंक दैट विल बी हेल्पिंग टू कनेक्ट द पास्ट व्हाट हैपेंड एंड द फ्यूचर व्हाट इज़ हैपनिंग, जो भी वो केस है। एंड जितना पता चलता है कि ये दो ऑर्फन्स हैं मोस्टली, जिनके पेरेंट्स नहीं थे और देवर किल्ड इन समथिंग जो शायद माइथोलॉजी से लिंक्ड है, तो या इट्स रियली क्रेविंग स्टोरी फॉर मी कि अब क्या। सो आई एम रियली वेटिंग फॉर दिस स्टोरी। थैंक्स स्टूडियो दुर्गा टू मेक दिस एंड मेकिंग इट सो इमर्सिव, लोगों को सोचना पड़ रहा है कि यार क्या होगा अभी। और मैंने अभी कमेंट्स पढ़े जो 26 को वीडियो आई थी उसके लिए, तो देन देर वॉज भाई आगे क्या, इतना क्यों, दैट्स नॉट फेयर। तो आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड स्टोरी विद अ रियली गुड एनिमेशन, एंड येस एनिमे इज़ बैक इन इंडिया गाइज। तो यार इफ यू हैवेंट चेकड आउट ऑलरेडी, चेक स्टूडियो दुर्गाज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वॉच द कर्मचक्रा ट्रेलर एंड द 3 minute आई गेस एपिसोड ज़ीरो और अ शॉर्ट क्लिप, एंड टेल अस इन द कॉमेंट्स। एंड स्टूडियो दुर्गा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं देन लव यू यार। तो यार उसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए स्टूडियो दुर्गा के बारे में, कर्मचक्रा के बारे में,
अपने नॉन एनिमे फ्रेंड्स जो होंगे उनको दिखाओ, उनको बताओ कि ये क्या है, ये चीज़ क्या है। और तब तक के लिए सायोनारा मेनासान।